प्यारे दोस्तों, लेटर सीरीज का पार्ट 1 आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं और उसमें कुछ विद्यार्थी कमेंट्स किए कि अगर यह लेटर की संख्या 13 हो तो किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, 17 हो तो किस प्रकार से ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों आज उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव पे भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो अवश्य देखें और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 अवश्य देख लें, ठीक है। बिना समय गंवाए हुए आते हैं सीधे इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो लेटर लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल लेटर की संख्या कितना है 19 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि आखिर कै लेटर के ग्रुप में इसको हम ब्रेक करें नहीं, लेकिन दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सबसे पहले इसमें से 3 लेटर को घटा लेते हैं। कितना लेटर बचा 16। 16 में 4 का ब्रेक करके देखते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं होता है, हमें देखना होता है कि इसे कितना कितना ग्रुप में बांटने पर मेरा सीरीज बनते नजर आएगा, है ना। तो हम 4 लेटर का ग्रुप बनाकर देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे पहला ए, लास्ट बी, यहाँ पे बी है, मतलब 4 लेटर का ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो मेरा सीरीज बनते नजर आ रहा है। चलिए तो 4 लेटर का ग्रुप बना लीजिए। 4 लेटर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एक 4 होगा जो यहाँ पे लिखा नहीं गया है ना। ये बहुत बार ऐसे करके आपको प्रश्न में देगा। चलिए अब कंपेयर करके लेटर बैठाइए। तो इसका पहला लेटर देखिए ए है, इसका भी ए है, दूसरा खाली इसका ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, मैंने डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, सीरीज मेरा मिल गया। डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी होगा जो भी आगे लिखा नहीं गया है, क्लियर। अतः मेरा आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, जो ऑप्शन डी में है, क्लियर। दोस्तों देखते हैं इसी पे एक और एग्जांपल, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें लेटर की संख्या कितना है पहले काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ भी टोटल लेटर कितना है 19 है। तो 19 का हम ब्रेक कैसे करें, तो इसमें से एक हम घटा लेते हैं। कितना बचा 18। 18 को तोड़ेंगे तो 6 गुना 3। चलिए शेष लेटर का ब्रेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ए पर शुरुआत, यहाँ पर भी ए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लास्ट ए, यहाँ भी लास्ट ए, शीशे पे ग्रुप मेरा बनते आ रहा है नहीं। अच्छा 3 3 भी करके हम देखते तो बनता है या नहीं बनता है, ये आपको आइडिया लगाना होगा। और ये आइडिया लगेगा कैसे, तो प्रैक्टिस लगेगा। आप जब बार बार ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो फिर ये दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए तो शीशे लेटर का हम ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर। अब यहाँ पे कंपेयर करके बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ इसका पहला लेटर बी, ए, इसका भी ए, दूसरा खाली इसका ए है तो ये रखाएगा यहाँ पे, फिर बी, फिर यहाँ पे बी, सी, यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, मतलब डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए डबल बी सी ए, डबल ए। आगे का सीरीज और आगे जाएगा, जो दिया हुआ नहीं है उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए मेरा आंसर निकल आया डबल ए डबल बी ए, डबल ए डबल बी ए। अब देख लेना है कि कौन ऑप्शन में है, तो डबल ए डबल बी ए, बी ऑप्शन है, अतः मेरा बी उत्तर होगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का पुनः मैंने लिया है, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आपको हर एक तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। यहां पर देखिए लेटर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे टोटल लेटर की संख्या तो 18 है जरूर, लेकिन 18 को आप ब्रेक करेंगे तो 6 गुना 3 या फिर 9 गुना 2, ये किसी में भी आप इसको ग्रुप बनाइएगा तो आपका ग्रुप का नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना होगा 6 का 1 2 3 4 5 6 यहाँ शुरुआत बी से हो रहा है, क्लियर, नहीं बैठेगा आपको। 3 का तो 1 2 3 शुरुआत डी से हो रहा है है ना। अगर 9 का तोड़ते हैं तो 1 2 बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, जब बार बार बनाएंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है इसमें ए आया है, बी आया है, सी आया है और डी आया है, 4 लेटर आया है और डी 2 बार आया है। तो एक और काउंट करें 5। अगर यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाया जाए तो ये आपका सीरीज आसानी से बैठ जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है। देखते हैं 5 लेटर का ग्रुप बनाकर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे गौर से देखिए, कहीं ग्रुप आपको बैठते नजर आ रहा है ए, देखिए डी डी। वास्तव में ये 5 5 का ही ग्रुप था, है ना। आगे 2 लेटर छोड़ा गया था। यहाँ तो बिल्कुल ब्रेक होने वाला संख्या था 18, फिर भी हम 6 3 में नहीं, 9 2 में भी नहीं ब्रेक कर पाए। ब्रेक करना पड़ा कितना पे, 5 पे। तो ये बार बार बनाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसका पहला लेटर ए है, इसका भी ए होगा। यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा। चलिए सी डी, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर, मतलब ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी। यहां पर भी हो जाएगा ए बी सी डबल डी, जो आगे दिया नहीं गया है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी ए डबल डी सी। देखा जाए बी ए डबल डी सी, बी ए डबल डी सी कौन में है, ए। अतः ए मेरा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिव का, ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं और उसी पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्तों अब जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो अल्टरनेटिव सीक्वेंस का होगा, ठीक है। ये कैसे बनता है, इसका सीरीज कैसे चलता है, तो यहाँ पे गौर करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस वही होगा मेरा, लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल लेटर की संख्या 18 है। अगर 18 को आप ब्रेक करेंगे तो 3 गुना 6 में टूटेगा या 2 गुना 9 में टूटेगा। अगर हम 3 3 का यहाँ पे ग्रुप बनाने का प्रयास करें, ठीक है, 3 3 लेटर का, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहां पे गौर करिए, ये दोनों का मैच कर रहा है नहीं, लेकिन इसका मैच ये यहां से कर रहा है। क्लियर दोस्तों, वास्तव में ये जो सीरीज है मेरा अल्टरनेटिव है। अतः यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले 3 3 लेटर का हम ग्रुप बना ही लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे अगर कंपेयर करिएगा तो ये दोनों मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों लगता है मैच कर रहा है। क्लियर, पुनः इसकी मैच इससे हो रही है। बात आ गई समझ में। मतलब पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो रेगुलर चल रहा था, लेकिन ये एक एक गैप करके चल रहा है। क्लियर, तो आपका ऐसा भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और इसका बनाने का तरीका यही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, डबल ए बी, यहाँ भी डबल ए बी, फिर ये हो जाएगा डबल ए बी। और जो बच गया वो कुछ इस ढंग से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी डबल सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डबल सी, यहाँ पे हो जाएगा बी डबल सी, बी डबल सी, बी डबल सी, बी डबल सी। मतलब आपका सीरीज बना डबल ए बी, बी डबल सी, डबल ए बी, बी डबल सी, डबल ए बी, बी डबल सी। क्लियर, अतः आपका आंसर हो जाएगा ए सी बी ए, ए सी बी ए, ए सी बी ए, जो ऑप्शन बी में है। अतः मेरा बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन को एक तरीका से और भी रेगुलर सीरीज में भी आप बना सकते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना सकते थे। देखिए हम बनाकर देखते हैं। आपका प्रॉब्लम था ए खाली बी, बी सी खाली ए बी, सी सी ए खाली बी, बी सी सी। अगर इसे हम शेषे का ग्रुप में तोड़ते, ठीक है, शेषे का ग्रुप में तोड़ते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये सीरीज आपको बैठते नजर आता। ए तो यहां पर भी ए, डबल बी, है ना, सी सी, नहीं, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। यहां से भी आपका उत्तर आ जाता है ए सी बी ए, ठीक है, जो ऑप्शन बी आपका होता। क्लियर दोस्तों, तो यहां पे ध्यान देना है। अल्टरनेटिव भी आप देख सकेंगे और रेगुलर में भी इसे हम देख रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों बहुत सा आपका प्रॉब्लम अल्टरनेटिव देखने से ही बनता है, अतः गौर करिएगा, अल्टरनेटिव देखना भी आप नहीं भूलिएगा। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल और, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे लेटर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर है। टोटल लेटर की संख्या 18। अगर इसे तोड़ेंगे तो 3 का 18 या 9 दूना 18, ठीक है। तो दोस्तों किसी का भी ग्रुप बनाकर देखें। चलिए पहले हम 3 3 का ग्रुप बनाकर देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलिए बना ही लेते हैं। अब यहां पर गौर करिए, आपको ये सीक्वेंस ए जो है इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए इससे कर रहा है, क्लियर, और ये वाला जो है अगला से कर रहा है, इससे कर रहा है नहीं। अल्टरनेटिव बिल्कुल यहां पे ध्यान देना है। अगर इससे मैच कर रहा है तो ए ट्रिपल ए, यहां पे ट्रिपल बी है तो यहां पे भी ट्रिपल बी होगा। यहां पे देखिए सी है, सी यहां पे हो जाएगा, ये सी यहां पे हो जाएगा। मतलब आपका सी चल रहा था ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ए सी बी सी डी में है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते यहां पर भी कि नहीं हम शीशे को ग्रुप में तोड़ें, है ना, तो यहाँ पे शीशे में आपको दिक्कत होता, लेकिन नौनों के ग्रुप में तोड़ते तो आपको टूट जाता। नौनों के ग्रुप में अगर आप तोड़ते तो यहाँ पे टूट जाता। देखिए यहाँ के बाद रिपीट करता ए, बात आ रहा है समझ में। चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे गौर करिएगा। थोड़ा लंबा सीरीज मैंने लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल लेटर है 24। अगर 24 को आप ब्रेक करेंगे तो 4 * 24 होगा या 8 * 24 होगा, क्लियर। चलिए हम सबसे पहले 4 4 में ब्रेक करके तोड़ के देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कहीं मैच करते नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पे मैच कर रहा है, देखिए बी ए सी बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए 4 4 का ब्रेक कर ही लेना चाहिए हमें। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए कहां कहां भी मैच कर रहा है। तो यहां पे बी ए सी ये मैच इससे कर रहा है, अतः ये गैप करके अगला से फिर मैच करेगा। यहाँ पे अब स्पष्ट है कि ये मैच इससे करेगा और ये मैच एक छोड़ के इससे करेगा, क्लियर। अब भरिए इसको। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करिएगा तो यहाँ ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए। बी ए खाली है, लेकिन इसकी मैच इससे करिएगा तो बी ए के बाद यहाँ पे सी आ रहा है। देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, अतः इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, क्लियर। अब इसको कीजिए बी ए सी ए यहां पे हो जाएगा बी ए सी ए, मतलब मेरा सीरीज बनेगा ए बी ए सी बी ए सी ए, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा सी ए सी बी डी में है, अतः डी मेरा सही उत्तर होगा। दोस्तों इसे आप चाहते तो आप दूसरा ग्रुप में भी तोड़ सकते थे। देखिए एक तरह से और तोड़ के देखते हैं। ए बी ए खाली बी ए सी ए बी ए सी ए, ठीक है। अगर इसे हम 8 8 लेटर का ग्रुप में तोड़ने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो रेगुलर सीरीज में ये टूट जाता है, ठीक है। जैसे यहां से कंपेयर कर देखिए ए बी है ना, मिल रहा है ना। चलिए ये दोनों को तुलना करके भरिए। तो ए बी ए खाली बी ए सी ए, ये दोनों को कंपेयर करिए। ए बी ए, यहां पे सी आ जाएगा, खाली है तो यहां पे बी ए सी ए, पुनः यहां पे सी आ गया, इस दोनों को कंपेयर करिएगा तो यहां पे सी हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा सी ए सी बी जो डी में है। तो दोस्तों ये था अल्टरनेटिव सीक्वेंस, है ना, थोड़ा सा बढ़ा कर लीजिएगा तो रेफरेंस सीक्वेंस में भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन पकड़ने के लिए हम लोग हमेशा छोटा ग्रुप लेकर चुनने का प्रयास करते हैं, इसमें लेटर ज्यादा था। चलिए दोस्तों अब इस पे कुछ और एग्जाम्पल हम करते हैं इसी टॉपिक पे, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज पर भी हम विचार करेंगे आज ही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्यारे दोस्तों तो देखते हैं, है ना, पार्ट 1 में मैंने 1 से 10 तक का प्रॉब्लम देखा था, पार्ट 2 में मैं अल्टरनेटिव सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। इसमें अगर लेटर की बात करें तो टोटल 16 है। अगर इसे हम ग्रुप में तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 में तोड़ेंगे या 8 गुना 2 में, लेकिन हम पहला प्रयास 4 पर करके देखते हैं। तो 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप में मैंने ब्रेक कर लिया। अब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में यू डब्ल्यू यहाँ पे है, मतलब ये ग्रुप का कहीं ना कहीं कंपेयर इससे हो रहा है, क्लियर। उसी प्रकार से यू भी इसका कंपेयर करिएगा तो इससे मैच कर रहा है। अब कंपेयर करके भरिए तो यू डब्ल्यू, खाली स्थान यू है तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यू के बाद यहाँ पे डब्ल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से यू भी खाली स्थान भी, यहाँ पे यू भी खाली स्थान यू है तो यहाँ पे यू आ जाना चाहिए, और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आ जाना चाहिए, मतलब आपका आंसर आ जाएगा डबल यू डब्ल्यू भी। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, डबल यू डब्ल्यू भी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अगर 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर में लेटर की संख्या पहले काउंट करेंगे कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लेटर की संख्या हो जाएगा 16। अगर 16 को ब्रेक करेंगे तो 4 गुना 4 होगा या आपका 8 गुना 2 भी होगा, लेकिन हम पहला प्रयास 4 पर करके देखते हैं। तो 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें कंपेयर करिए कौन ग्रुप किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान है AA है, इसमें तो यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है, लेकिन AB मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे अंतिम 2 लेटर AB है, इसमें भी AB है, तो कहीं ना कहीं यह ग्रुप इस ग्रुप से मैच कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैच कराइएगा तो ये ग्रुप इससे मैच कर जाएगा। देखिए अंतिम में ये है, यहाँ पे ये है ना, दूसरा स्थान पे B है, दूसरा स्थान पे B है। अब ये दोनों को कंपेयर करके भरिए तो इसका पहला स्थान B, तो इसका पहला स्थान भी B हो जाएगा, BAB, तो यहाँ पे भी होना चाहिए BAB। चलिए तो BAB। अब यहाँ पे AB खाली स्थान A, यहाँ पे है, यहाँ खाली है तो A डालिए, तो ABA, तो इसमें भी हो जाएगा ABA, मतलब आपका आंसर निकल आएगा BBAA, मतलब BBA जो ऑप्शन B में है, अतः B आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो दोस्तों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अगर 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखा जाए लेटर की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है, टोटल लेटर की संख्या 16 है। तो 16 को अगर आप ब्रेक करिएगा तो होगा 4 गुना 4, उसी प्रकार से 8 गुना 2 भी हो सकता है, लेकिन पहला प्रयास हम 4 पर करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कंपेयर करिए तो आसानी से मैच कर जा रहा है, देखिए नहीं, AC, यहाँ पे भी मैच कर रहा है AB। चलिए भरिए तो ACA, तो ACA होना चाहिए, A के बाद C होना चाहिए तो यहाँ पे C डाल दीजिए, क्लियर। यहाँ पे AB खाली स्थान B, यहाँ पे ABA है तो यहाँ पे A आएगा, इसके बाद B तो यहाँ पे B आएगा, मतलब आपका आंसर निकल आएगा DACB। अब देख लीजिए कि कौन ऑप्शन में है, DACB, A में है तो ये मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में कितने लेटर हैं पहले काउंट कर लीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, टोटल लेटर की संख्या 15 है। 15 को अगर ब्रेक करिएगा तो 3 गुना 5 में कर सकते हैं। चलिए पहला प्रयास 3 पर करके देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्लियर। अब यहाँ पे मैच कराने का प्रयास करिए तो यहाँ पे सी देखिए यहाँ अंत में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यह मैच इससे कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे ए है तो ये इसमें आ रहा है तो ये मैच इससे कर रहा है। क्लियर। अब बच गया ए, तो ए जो मैच करेगा अगला से करेगा, मतलब आगे जो होगा उससे करेगा। तो आगे तो कोई है नहीं। चलिए फिर भी बैठाने का प्रयास करते हैं। ए दोनों को देखते हैं। ए खाली स्थान सी, तो यहाँ पे ए डालिए तो ए बी सी मिलेगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी ए बी सी। अब इसकी मैच किससे करना है तो इससे करना है। तो ए सी यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, सी है, सी है, ए है। चलिए तो दोस्तों इसकी भी मैच कैसे कराएंगे, तो इसका एक तरीका ऑप्शन है, दूसरा तरीका देखिए सब में लेटर ए बी सी रिपीट हो रहा है तो इसमें कमी किसका नजर आ रहा है, तो कमी ए है सी है, बी का कमी नजर आ रहा है तो बी डाल के देखा जाए, है ना। इसमें कमी किसका नजर आ रहा है सी का, तो सी डाल के देखिए। इसमें कमी पूरा है, इसमें ए सी, इसमें कमी बी का है, मतलब ए बी सी, फिर बी से चला बी सी ए, फिर सी से चला सी ए बी, फिर बी से चला ए से चला ए बी सी, फिर बी से चला बी सी ए, मतलब सीरीज आपका कहीं ना कहीं मिल गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डबल बी। देखिए कौन में है, ए बी सी डबल बी, ए में है तो ए मेरा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अगर 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लेटर की संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। अगर 16 लेटर को ब्रेक करिएगा तो 4 गुना 4 में ब्रेक होगा। क्लियर। चलिए यह 8 गुना 2 में भी हो सकता है, लेकिन पहला प्रयास हम 4 पे ही करके देखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे गौर करिएगा। यहाँ पे मैच की बात किया जाए तो जेड है इसमें, अजेड इसमें है नहीं शुरू में, यहाँ पे डब्लू से स्टार्ट है, इसमें भी डब्लू से स्टार्ट है, मतलब मैच कहीं ना कहीं इस प्रकार से अल्टरनेटिव कर रहा है। तो अब कंपेयर करके भरिए तो जेड बाई, यहाँ पे जेड बाई होना चाहिए। ठीक है, बाई के बाद एक्स डब्लू, एक्स है डब्लू नहीं है, यहाँ पे भी वही बात होगा, डब्लू यहाँ पे एक्स है तो एक्स डालिए, फिर होगा बाई जेड, बाई जेड, यहाँ पे जेड आ जाएगा। चलिए आपका आंसर निकाल आया। आंसर कौन निकाल आया, डब्लू एक्स बाई जेड। अब देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, डब्लू एक्स बाई जेड, डब्लू एक्स बाई जेड, ये ऑप्शन में है, ये मेरा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था अल्टरनेटिव। हम पार्ट 3 में देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिए, है ना। और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो करने का प्रयास करिएगा और बेल आइकन का बटन भी आप दबा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले पार्ट में।